उत्तरकाशी में दैनिक भास्कर की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। कुछ दिनों पहले उत्तरकाशी के श्रम विभाग के दयनीय हालत एवं विभागीय अधिकारी न होने के कारण असंगठित मजदूरों को मिलने वाली सुविधाओं के न मिल पाने की खबर हमारे चैनल में दिखाई गई थी, जिस पर जिलाधिकारी ने शासन को पत्र लिखकर श्रम अधिकारी की तैनाती की मांग की थी। उस खबर के असर से शासन ने जनपद में अतिरिक्त श्रम अधिकारी की नियुक्ति की है। आज श्रम अधिकारी ब्रजमोहन ने कार्यभार संभाला और उत्तरकाशी के श्रम विभाग में फैली अव्यवस्थाओं को सुधारने का काम शुरू कर दिया है और जनपद में चल रहे CHC सेंटरों की ID एक्टिवेट करके असंगठित मजदूरों को विभाग द्वारा मिलने वाली सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाना शुरू कर दिया गया है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। ई श्रम है ये, इसमें ऐसा है जैसे कि मतलब कोई आपदा आ जाती है, किसी भी तरह की आपदा, जैसे COVID-19 का भी, ये भी आपदा में मानेंगे हम, ऐसी आपदा आएगी तो इसमें रजिस्ट्रेशन असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उसका इसमें पंजीकरण किया जाता है और इसमें आपदा के समय में कोई ऐसी घटना होती है तो इसमें सीधा जो है श्रम मंत्रालय भारत सरकार की ओर से श्रमिक के खाते में सीधी सहायता इसमें उपलब्ध कराई जाएगी और इसमें जीवन बीमा भी इसमें कवर होता है इसमें। और ये असंगठित क्षेत्र के लोगों के, जैसे ठेला, ये कृषि क्षेत्र से हैं और ठेला रेडी हैं, छोटे दुकानदार हैं, ये मतलब असंगठित क्षेत्र के जितने भी श्रमिक हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें ज़्यादा लोगों के लिए हम जागरूक कैंप लगाएंगे कि वो इसमें आए। सर एक चीज़ बताएं, हमारे चैनल ने आपकी खबर चलाई कि यहाँ पे कोई नहीं, जिससे आपका प्रभाव पड़ा है? कुछ प्रभाव पड़ा है सर, तभी मेरा ट्रांसफर सर यहाँ उत्तरकाशी का अतिरिक्त प्रभार के रूप में हुआ है। वैसे डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे कर्मचारी कम हैं इस समय, इसका एक अध्याचंद सरकार भेजा गया है, इसमें 11 संपर्क अधिकारी और 2 LC के लिए अध्याचन गया है। निकट भविष्य में जो है उनका नियुक्ति होने के बाद तो ये जो कर्मचारी की कमी है वो शायद समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद सर। पहले तो आपका उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में स्वागत है सर। जो यहाँ पे अव्यवस्थाएँ थी, इसके लिए आप क्या करें, क्या व्यवस्था कर रहे हैं और श्रम विभाग की और आगे की क्या कार्य योजनाएँ हैं, इससे थोड़ा सा आपको बताइए। अव्यवस्था का तो ये है कि देखो, मेरा यहाँ ट्रांसफ़र हुआ है अभी देहरादून से, लेकिन मेन मेरा जो है कार्य क्षेत्र वो देहरादून का है। ये मेरे को अतिरिक्त कार्यभार के रूप में दिया गया है उत्तरकाशी का क्षेत्र। और अव्यवस्थाएँ तो ये है कि ऑफिस की भी व्यवस्थाएँ अभी ऐसे ही है, इसके लिए भी सर हमने बजट की मांग की है, इसके लिए बजट हमें निकट भविष्य में मिल जाएगा तो इसको भी हम इसका भी जो अनुसार करेंगे। और श्रम विभाग का भवन सन निर्माण कामकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत श्रमिकों का पंजीकरण किया जाता है, इसमें पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाते की फोटो कॉपी और एफिडेविट, 4 चीज़ें ये इसमें लगती हैं और इसको ऑनलाइन किया जाता है CSC के माध्यम से, इसको ऑनलाइन किया जाता है। और इसको ऑनलाइन करने के बाद हमारा ID आता है, इसको हम वेरीफाई करते हैं। कार्ड बनने के 3 महीने के बाद कोई भी सहायता, जैसे शादी के लिए है, शादी के लिए 2 लड़कियों के लिए अभी वर्तमान समय में 25,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है इसमें, और 2 बच्चों के लिए छात्रवृत्ति के लिए इसमें सहायता प्रदान की जाती है, जिस उसके कक्षानुसार। और 2 इसमें प्रसूति उपरांत जो श्रमिक है, अगर श्रमिक का महिला का बना हुआ है तो उसका स्वतः प्रसूति के लिए 2 बच्चों के लिए 6,000 रुपये इसमें दिया जाता है, और अगर श्रमिक पुरुष है तो उनकी पत्नी के लिए भी यही 2 बच्चों के लिए 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। जी सर, एक चीज़ बताओ कि CSC के थ्रू अभी फिलहाल काम नहीं हो पा रहा है, इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? इसमें पूरे CSC वालों के पास नहीं है, लेकिन पहले पूरी CSC वालों के पास था, लेकिन अब उसी चुनिंदा से CSC के पास ये काम दिया गया है, अब हर एक CSC के पास नहीं है। तो उतना यहाँ के उत्तरकाशी का भी हमने इसका एक उसका हमने बायोडाटा मांगा है कि किस किस CSC के पास ये है, वो हम अवेलेबल करा करके आपको भी उपलब्ध करा देंगे। और ये हमारे ऑफिस के एक तरह से कार्यकर्ता हैं श्री बिजपाल जी, इनको भी हम वो भी उपलब्ध करा देंगे। और उससे आपको ये रहेगा कि किस किस CSC के पास हमारा जो है श्रमिक पंजीकरण हो सकता है। सर सर आपका नाम? मेरा नाम ब्रजमोहन, सर पदाधिकारी अतिरिक्त कार्यभार उत्तरकाशी।